स्टूडेंट पॉइंट समझने के बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन के सम को सीखेंगे। फॉर एग्जांपल फाइंड द प्रोडक्ट, आपको इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इट मींस कि आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जिन क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना हो प्रोडक्ट, तो वहां आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4234 मल्टीप्लाई बाय 561, 4234 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 561 के साथ। तो सबसे पहले आप रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे, कॉलम वाइज अरेंज कर लेंगे नंबर्स को, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस की डिजिट है 4, 3, 2 एंड 4। नेक्स्ट नंबर को राइट डाउन करेंगे वंस प्लेस से ही, 1, 6 एंड 5। 4234 इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये होगा मल्टीप्लिकेंड। 561 इस नंबर से 4234 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 561 होगा मल्टीप्लायर। क्लियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट। वन का टेबल आपको 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम यूज़ करना है, रीड करना है, उसके बाद आपको वैल्यू राइट डाउन करनी है। ऐसे ही आप सेकंड स्टेप सेकंड डिजिट से करेंगे। 6 का टेबल भी आपको 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम और 4 टाइम रीड करना है और वैल्यू पुट करनी है। ऐसे ही आप 6 की तरह ही आप 5 का टेबल रीड करेंगे 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप आप इसे रीड करेंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है 1, तो 1 का टेबल आप रीड करेंगे, 1 4 4, प्रॉपर गैप के साथ आप लिखेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, 1 3 3, 1 2 2, 1 4 4। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे ही आप सेकंड लाइन सेकंड डिजिट से 6 का टेबल आप रीड करेंगे। यहाँ पर 3 6, ये टेंस प्लेस की डिजिट है, तो यहाँ पर 6 टेंस प्लेस में आ रहा है, तो 6 टेंस का जो वैल्यू होगी वो होगी 60। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई। 4234 की मल्टीप्लाई हम 60 से कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप 60 की जीरो को सेकंड लाइन के वंस प्लेस पर लिख देंगे। ये रूल है कि आप सेकंड लाइन में वंस प्लेस पर जीरो पुट कर दें, क्योंकि 6 टेंस प्लेस पर है, 6 टेंस की वैल्यू 60 होती है। क्लियर, अब आप यहाँ पर क्योंकि 60 में से 0 तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ 6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम और 4 टाइम। अब आप सिंपल मेथड से करिए, 6 4 24 24 में 2 डिजिट हैं, 2 एंड 4, तो आप 4 इस प्लेस पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट पर कैरी में जाएगा 3 के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। 6 3 18, 18 प्लस 2, कैरी में जो गए थे उसे ऐड कर देंगे 18 में, 18 प्लस 2 20, 20 की 0 आप नीचे लिखेंगे और 2 जाएगा कैरी में नेक्स्ट डिजिट पर। क्लियर, आप 6 का टेबल 2 टाइम, 6 2 12, 12 में 2 जो कैरी में गया था उसे ऐड कर देंगे 14 का 4, 14 में भी 2 डिजिट है तो 4 नीचे लिख देंगे और वैन कैरी में चला जाएगा। 6 4 24, 24 प्लस 1 25, तो आप 25 का 25 गैप के साथ लिख देंगे दोनों डिजिट, क्योंकि 4 से आगे कोई नंबर नहीं है।
तो हमारा सेकंड स्टेप सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब आता है थर्ड स्टेप, फाइव से मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पर आपको फाइव का प्लेस देखना है, हंड्रेड, तो फाइव हंड्रेड प्लेस है फाइव का। तो यहाँ पर हंड्रेड में टू ज़ीरो होती हैं, फाइव हंड्रेड में टू ज़ीरो, तो आप थर्ड लाइन में टू ज़ीरो पुट कर देंगे। क्लियर? जैसे हमने 60 का किया था ऐसे ही हमने 500 का किया है। 500 की 20 यहाँ पर पुट कर दी थर्ड लाइन में वंस और टेंस प्लेस पर। अब आप 5 की मल्टीप्लाई करिए फोर टाइम, 5 फोर जार 20, 20 की 0, टू डिजिट है क्योंकि कैरी में जाएगा नेक्स्ट लाइन पर 2। 5 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे, 5 थ्री जार 15, 15 प्लस 2 17 का 7 कैरी ओवर 1 नेक्स्ट डिजिट। क्लियर? 5 टू जार 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1 नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट डिजिट। 5 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे, 5 फोर जार 20, 20 प्लस 1 21, तो 21 का 21 राइट डाउन कर देंगे। अब हमने तीनों ही टेबल रीड कर लिए हैं और वैल्यू पुट कर लिए हैं। अब तीनों लाइन का हम सम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? प्लस कर देंगे आप। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15, 15 में 2 डिजिट है तो 5 आप नीचे लिखेंगे, बन जाएगा कैरी में 5 के ऊपर। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3 और 2 एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो आंसर आया है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। जो आंसर आया है इसे कहेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में 1 से मल्टीप्लाई की थी, सेकंड लाइन में 60 से, क्लियर, और थर्ड लाइन में 500 के साथ मल्टीप्लाई की, तो हमारा आंसर आया है। और जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट होता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई के सम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट।